हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल रात मैंने दवा खा ली थी तो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। अब ये मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये मैं कल शाम से लगाया हूँ, कल पूरी रात भी हो चुकी है। ठीक, तो मतलब अब ज़्यादा इसको लगा लोगे तो दर्द भी करेगा। ठीक है, तो अब इसको निकाल रहा हूँ। तो गाइस, अभी रेडी हो लिया है, नहा के आ चुका हूँ। और कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं हेयर बैंड क्यों लगा लेता हूँ नहाने के बाद, क्योंकि गीले बालों पे ये अगर लगा लो और एक दो घंटे बाद जब बाल सूख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। ना ही आपको कोई जेल लगाने की है ज़रूरत, ना ही कोई और प्रोडक्ट, और ना ही हेयर ड्रायर है लगाने की ज़रूरत। ठीक है, तो ये मतलब नेचुरल है। ठीक, तो गाइस अभी भी मेरा पैर थोड़ा थोड़ा दर्द दे रहा है, इसलिए सोचा मूव लगा ली जाए। ठीक है, तो गाइस अब चल के देखा जाए कि आज के खाने में क्या बना है, क्योंकि भूख लगने लगी है, क्योंकि नहा के आओ और तुरंत फिर भूख लगने लगती है। तो आज बनी अपनी रेगुलर दाल और चावल और रोटी है बस। तो इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम लोग। चलो मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है, और मैं ना गाइस दाल में नींबू डाल के दाल को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। थोड़ा सा इस मतलब थोड़ा सा हल्का सा लेमन वाला आ जाएगा फ्लेवर, और हल्का सा खट्टा खट्टा भी होगा तो अच्छा लगेगा। और अभी खाना खाते समय मैं देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो गाइस देखो, ये होता है बेनिफिट हेयर बैंड लगाने का। कोई जेल नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, ऑटोमेटिकली बाहर खड़े हैं मेरे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अपने लिए दूध पी रहा हूँ और साथ ही साथ हमारी चाय भी बन रही है। तो गाइस, आज रात का खाना आपका सार्थक बना रहा है। आलू और टमाटर की सब्जी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा तेल हो रहा है गरम। इसके साथ हम डालेंगे जीरा और हरी मिर्च, और अब हम इसके साथ डालेंगे आलू को। अभी आलू को थोड़ा देर फ्राई होने देते हैं, देन हम डालेंगे इसमें मटर। इसको पानी में इसलिए डाले क्योंकि ये अभी थी फ्रीज़र में और ये हो गई थी फ्रीज पूरी तरीके से, इसलिए इसको नॉर्मल लेवल में लाने के लिए इसको पानी में डाला हमने। थोड़ी देर इसको पकने के बाद हम डालेंगे इसमें टमाटोज़, और मसाले के लिए मैं डालूँगा लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और फिर डालूँगा कहेंगे ये मीट मसाला। और हाँ, इसमें आपको मसालों के साथ साथ नमक भी डालना है। ठीक है, और मैं तो एक चीज़ भूल ही गया, नींबू भी डालना है आपको, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये खट्टा बनाए और थोड़ा अच्छी भी लगे सब्जी। ठीक है, तो जब तक सब्जी बन रही है तो सोचा कुछ काम ही कर लिया जाए, लैपटॉप तो भी चल रहा है भाई। और गाइस, मेरे पापा भी ऑफिस से घर आए और वो पिज़्ज़ा लेके आए हैं, पनीर वाला, देखिए। और अभी मैं लैपटॉप चला रहा, तो मैंने इसका वॉलपेपर भी चेंज कर दिया, अच्छा लग रहा है ये वाला। तो अभी 11 बज चुका है रात को, और अभी मेरा काम कंप्लीट हुआ है जस्ट जाके, तो अब चल के ना खाना खाते हैं। ठीक, तो गाइस कुछ ऐसा रिजल्ट आया है मेरी सब्जी का। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि दिखने में भी अच्छी है या फिर टेस्ट में भी उतनी अच्छी है। तो अच्छी है, मतलब एवरेज से तो अच्छी है, मतलब हाँ खाने लायक है। ठीक, तो अभी मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था फिर से, तो मैंने देखा कि अब वाईफाई फिर से चला गया है, तो और लग रहा है कि अब कल सुबह ही आ पाएगा। और मैं आज रात वीडियो एडिटिंग करके अपलोड पे लगा देता था, और आज रात में हो जाती थी अपलोड वीडियो, और तो फिर मुझे व्लॉग ये वाला परसों मतलब कल दोपहर तक आ पाएगा। ठीक है भाई, 4-5 बजे के ठीक समथिंग, तो इंतज़ार करिएगा। और इस ब्लॉग को इंपेंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।